ଆଜି ଆମର ଭୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କ୍ଲବ ଯାହାକି 90ରୁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି 93-94ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଆମର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କ୍ଲବ ଆମର ଏହି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରପୁତ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନାମରେ ଆମର ଏହି କ୍ଲବଟାକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଏହି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କ୍ଲବର 3 ମାସ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଗଣାରେ ସିଲେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆହେଲା ତାର ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲୁ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଏସ୍ଏସ୍ କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରାହେବ। ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେବ। नोआपाड़ा जिला अंतर्गत वाणिज्य शहर खरियार रोड में वीर सुरेंद्र साई क्लब द्वारा युवतियों के लिए चलाया जा रहा सिलाई प्रशिक्षण में सफल प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र बांटा गया। बीते सोमवार को वीर सुरेंद्र साई क्लब के प्रांगण में नोआपाड़ा विधायक तथा मंत्री राजेंद्र कुमार ढोलकिया के उपस्थिति में 98 युवतियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जो पहले बहुत अग्रणी संस्था थे खेल कूद में, हमारे कबड्डी फुटबॉल जो भी हमारे आयोजन होते थे उनके बैनर में हम सब करवाते थे, पूरा सहयोग करते थे, और अभी पुनः उन्होंने अपनी संस्था को पुनर्जीवित करके मेरे पास जब प्रस्ताव दिया तब मैंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का उनको प्रस्ताव दिया था। और आज बहुत महिलाएं ट्रेनिंग देकर 3 महीने का स्वावलंबी बनने जा रही हैं, अपना खुद के अपने पैर के द्वारा, खुद के द्वारा अपने परिवार को चलाने का जो आर्थिक समृद्धि में सहायक होगा वैसा कार्यक्रम सफलतापूर्वक बीएसएस क्लब ने किया। सिलाई प्रशिक्षण जारी रखने के साथ साथ 18 वर्ष से 25 वर्ष के युवतियों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण की भी शुरुआत किए जाने की सूचना वीर सुरेंद्र साई क्लब के प्रेसिडेंट सुनील तिवारी ने साझा की। वीर सुरेंद्र साई क्लब के द्वारा जरूरतमंद युवतियों को कौशल विकास तालीम देने के मुहिम में कंचन बेन रसिकलाल ढोलकिया चैरिटेबल ट्रस्ट का सहयोग निरंतर प्राप्त होने की जानकारी मिली है। बिसुधर बंछोर की रिपोर्ट के 3 TV ओडिशा।